की नीति कुमार न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। तो यदि ये बातें हैं तो कानून उनके लिए अपना काम करेगा, चाहे जो भी रहें, जिस रूप में भी रहें, कानून से बच नहीं पाएंगे। अगर सच्चाई इसमें है कि उन पर कोई वारंट है और गलत कर्तव्य पाए गए हैं, तो निश्चित रूप में बिहार सरकार उनके खिलाफ काम करेगा। सिर्फ मुकदमा हुआ था और उसके बावजूद भी त्याग पत्र देना पड़ा था। तो नीतीश कुमार इस चीज़ को बहुत ढंग से समझते हैं, उनके संज्ञान में सरकार के संज्ञान में बात नहीं हुई होगी। जारी हो गया है, बीजेपी कह रही है कि फिर से जंगल राज की वापसी है और ऐसे मंत्री जिन पर वारंट जारी हुआ है उनको अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो गंभीर बात। देखिए, ये तो मेरे संज्ञान में भी नहीं है और जिस दिन सफर हो रहा था उस दिन भी हम लोग नहीं जान रहे थे। और अगर ये इस प्रकार की बात आप कह रहे हैं तो इतना तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। तो यदि ये बातें हैं तो कानून उनके लिए अपना काम करेगा, चाहे जो भी रहें, जिस रूप में भी रहें, कानून से बच नहीं पाएंगे। अगर सच्चाई इसमें है कि उन पर कोई वारंट है और गलत कर्तव्य पाए गए हैं, तो निश्चित रूप में बिहार सरकार उनके खिलाफ काम करेगा। आपको लगता है सर कि वैसे मंत्री जो आपराधिक मामले में शामिल हैं और वारंट जारी हो उनको शपथ कराया जाना चाहिए था? हम समझते हैं सरकार को मालूम नहीं था, अगर मालूम होता तो शायद उनको शपथ नहीं करवाया जाता। आपको याद है कि जीतन मांझी भी शपथ लिया था और इस पर वारंट नहीं था, सिर्फ मुकदमा हुआ था और उसके बावजूद भी त्याग पत्र देना पड़ा था। तो नीतीश कुमार इस चीज़ को बहुत ढंग से समझते हैं, उनके संज्ञान में सरकार के संज्ञान में बात नहीं हुई होगी, इसलिए पर उनको शपथ लेने का मौका दिया गया। और अब जब बातें प्रकाश में आई तो बहुत से मंत्री हरे हैं, जैसे हम पर तो वारंट नहीं था, हम पर तो सिर्फ केस था, तब फिर हम छः दिन का क्या 8 घंटे के अंदर हमको इस्तीफा देना पड़ा। तब को नहीं लगता था कि मंत्री को कम से कम इस्तीफा देना चाहिए ऐसे मामलों पर जब वारंट जारी हो? यह माननीय मुख्यमंत्री का अधिकारी है, माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जो विचार। बहुत लोग जो SC ST समाज से हैं जेल में बंद हैं, उस पर आप क्या आपका एक्शन रहेगा? नई सरकार बनी है। देखिए, इस माने में नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देते हैं कि जब जब दिक्कतें आई है शेड्यूल कास्ट और गरीबों के प्रति, तब तब हम लोगों ने बात उठाई है सरकार में रह कर के भी, गठबंधन में रह कर के भी, और उचित समय पर उन्होंने समीक्षा भी की है और 3-3 समीक्षा हो चुकी है। आवाज आप जानते हैं कि पहले था कि जिसके यहाँ एक बोतल शराब पकड़ा जाए सीधे वो जेल जाता था, या ब्रेथ एनर्जा लगाया जाता था गरीब लोग को मुँह में, अगर शराब पीने का साक्ष्य मिलता था तो जेल जाता था। आज हो गया है कि वो जेल नहीं जाएगा और उसमें सर्टेन पेनाल्टी है, देख करके वहीं से छूट जाता है। तो कहने का मतलब जो पहले रिजिडनेस था वो रिजिडनेस अब नहीं आया है, और फिर भी इतना भी है जो शेड्यूल कास्ट जो गरीब लोग हैं आज जेल में बंद हैं और उनके पर जो कार्रवाइयाँ हुई है, हम लोग मांग करेंगे ऐसे अवसर पर कि उन कार्रवाइयों को सरकार उठा ले, उसको शांत कर दे और हमारे गरीब लोग बाहर चले आएंगे और फिर अपना काम करेंगे। रही बात शराबबंदी का, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके लिए जो आज कार्यक्रम हो रहे हैं नीचे के स्तर पर, उससे गरीबों को विशेष घाटा हो रहा है। और जो इसका हाजी मस्तान लोग हैं वो लोग मौज मार रहे हैं। इस ओर वर्तमान नई सरकार है, उसको इसको देखना चाहिए। हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि नई सरकार नए ढंग से देख करके और विचार करेगी, और ज़रूरत हो समीक्षा करने की तो और एक आध बार समीक्षा करेगी। जंगल राज के भाजपा जो कह रही है वो गलत कह रही है, इस माने में कह रही है कि भाजपा के साथ भी हम लोग थे, उस समय बेरोजगारी कहाँ था, वहाँ महंगाई थी और करप्शन कहाँ था, सारे ओर बढ़ रहे थे, मंत्रियों पर इसका क्या कहते हैं ठप्पा पड़ा था, जिसके चलते बहुत से ट्रांसफर पोस्टिंग बंद कर देना पड़ा था,
नीतीश कुमार को, और आज वो ऐसा बोल रहे हैं तो वो बेतुकी बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार अच्छाई के लिए, चेंज करने के लिए वातावरण को बिहार में और नई सरकार से सुशासन काम करने के नाम पर नीतीश कुमार ने पारा बदला है, जिसका हम लोग समर्थन करते हैं।